नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत दिल्ली एमसीडी चुनाव से। आज दिल्ली में एमसीडी चुनाव की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आज मेयर का चुनाव है। जी हां, एमसीडी चुनाव के नतीजे हम सभी ने देखे, नतीजे क्या कुछ कह रहे थे। लेकिन मेयर चुनाव की बात करें, आज का मेयर चुनाव कैसे रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से हैं, क्या कुछ तैयारियां आम आदमी पार्टी की तरफ से, कौन कौन इस चुनाव में हिस्सा लेगा, तमाम बड़े अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ। जी हाँ, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दूँ कि मौजूदा समय के अंदर दिल्ली मेयर चुनाव में एक बार फिर से न सिर्फ बड़ी बहस छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी ये कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बन पाए। क्योंकि इससे पहले कि अगर हम चुनाव को लेकर देखें, तो जब मेयर का इससे पहले का चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान क्या देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी अपने मेयर को पूरी तरह से चुनाव में जितवाना चाहती थी। और एमसीडी चुनाव के जो नतीजे आए उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और अभी की जो तस्वीर देखी जा रही है, वो तस्वीर भी ये जाहिर तौर पर बता रही कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। यानी कि मौजूदा समय के अंदर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी को ही जीतना चाहिए, उन्हीं का कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि अभी के वक्त के जो हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं। क्या बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने देना चाहती? क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो दिल्ली से उनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा? आम आदमी पार्टी शैली ओबेरॉय को अपना मेयर बनाना चाहती है। और पार्षदों के लिहाज से अगर बात करें, 130 सीटें एमसीडी में लेकर आई आम आदमी पार्टी और 100 बहुत मुश्किल से बीजेपी का हो पाए। लेकिन सदन में एक बार फिर न सिर्फ गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, बल्कि बीजेपी इस बार दोबारा तैयारी कर रही है कि मेयर चुनाव में एक बार फिर जो है टांग अड़ाया जाए, जिससे दिल्ली की जनता के लिए मुश्किलें खड़ी हो। जाहिर तौर पर मेयर चुनाव जब तक नहीं हो पाएगा, दिल्ली की जनता के लिए लगातार मुश्किलें बनी रहेंगी। और जब तक मेयर नहीं बनेगा, तब तक दिल्ली में साफ सफाई, स्कूल और तमाम ऐसे जो काम है वो नहीं हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।